सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यह भी तो मर रहा है, जल्दी यहाँ आओ बेटा, इसे अस्पताल लेके जाओ, जल्दी करो, जल्दी आओ। आपको इल्म नहीं, ये एक शादीशुदा आदमी के साथ घूम फिर रही है और आप कह रही हैं कि इसने क्या किया है। इन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं। आप उस्मानियों के तहफ्फुज में हैं, अब आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। शाबाश मक्तल, शाबाश। गुलाम हाजिर है। अहमद पाशा, अहमद पाशा, अहमद पाशा। वो हमें मारना चाहते थे, हम उन्हें नहीं जानते। अगर ये उस्मानी जासूस ना होते तो अब तक हम मर चुके होते। हम इनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे हुक्मरान के साथ अपनी वफादारी को कबूल कर लिया। उस दिन आपने आखिरी बार देखा था उन्हें यहाँ पर। तुम गलत हो सुल्तान मौसम। क्या आप अहमद पाशा को अपने साथ ले जाना चाहते? नहीं, हम अहमद पाशा के बारे में अपने दावे से दस्तबरदार हो रहे हैं। हम रूसी सफीर को मारेंगे और उसके बाद बलकान में अपना काम जारी रखेंगे। वो शख्स जिसने आपकी मोहर जाहिर की थी वो जवाद था, उसी ने खलील खालिद साहब का खसूसी टेलीग्राम चुराया था। जुल्फुल इस्माइल पाशा उन्हें देखने गए थे, उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि जवाद साहब बीमार हैं, फिर उन्होंने हुक्म दिया कि इन्हें अस्पताल ले जाए। जुल्फुल से कहो कि जवाद को मरना होगा, क्योंकि अगर वो उठ गया तो वो अब्दुल हमीद को सब कुछ बता देगा, सब कुछ। मेरे दिल में सिर्फ आप हैं। और पूरी जिंदगी आप ही रहेंगी। तुम वही आदमी हो ना जो बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं, लेकिन तुम इनकी बात नहीं समझ सकती। ठीक है, ये तैयार है। हिकमत जी, कहिए। ये लो, जितना जल्दी हो सके इसे शाया कर दो। Ah!
साहब आप ठीक हैं? ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तुम नहीं चल रहे? नहीं, मैं कुछ काम निपटाने के बाद आऊंगी। जोरिस इंतजार कर रहा है। मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। तुम्हें जो भी करना है बाद में करना, अभी वक्त नहीं है। मेरे साथ चलो जल्दी। ठीक है पाशा। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपने बुलाया था मुझे? अहमद पाशा, जहां से आपका ताल्लुक था वहां वापस आ गए। अल्लाह हमेशा हमें हक के साथ रखे। आमीन। हम इस्माइल पाशा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप हजरात जा सकते हैं। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मुअज्जम, मेरे ख्याल में अपने भाई से तन्हाई में बात करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, आपका क्या ख्याल है? ज़ुल्फ़लु इस्माइल पाशा का जवाद के साथ क्या ताल्लुक है, ये बात मुझे परेशान कर रही है तहसीन पाशा। जरूर इसकी भी वजाहत होगी और होनी भी चाहिए। इसकी वजाहत जरूर होगी, लेकिन हमारी रियासत के साथ मोहब्बत की कोई भी वजाहत नहीं है तहसीन पाशा। तहसीन पाशा, हम बरसों से खिदमत कर रहे हैं, क्या हमारा कोई घर है या फिर हमारे पास कोई बहुत दौलत मौजूद है? क्या हमारे कोई बीवी या फिर बच्चे मौजूद हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस रियासत से बेगरज मोहब्बत करते हैं बगैर किसी वजाहत के। क्या आप जानते हैं कि हम इस मर्द हक के साथ इतने वफादार क्यों हैं पाशा? क्योंकि वो हमसे बेगरज मोहब्बत करते हैं बगैर किसी वजाहत के। अल्लाह की रजा के लिए हमसे मोहब्बत करते हैं। अहमद पाशा, मुझे आप पर शुबा हुआ था क्योंकि आपके खिलाफ सबूत ही इतने थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि आप गद्दारी कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा। मैं माफ करता हूं पाशा। आप इसे मेरे पास लेकर आए थे, अब आप ही इसे सुल्तान मौसम को वापस कर दें और उनसे कहें मैं अहमद जलालुद्दीन की आपसे मोहब्बत और वफादारी का गवाह हूं। मैं गवाह हूं पाशा। तो यह सूरत हाल है पाशा। मैंने सब कुछ बता दिया सुल्तान मौज़म। हमारे दुश्मन का मोहरा जवाद है, लेकिन उसे किसी की पुष्ट पनाही हासिल है। हमें कठपुतली की नहीं, उसकी डोर चलाने वाले हाथों की तलाश है। हमारा असल हदफ कठपुतली को चलाने वाले हाथों को काटना है पाशा।
माफी चाहूंगा सुल्तान मुअज्जम, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं? हमारी जंग पोशीदा दुश्मनों से है पाशा। बाज़ औक़ात वो ऐसे लोगों को नकाब पहना देते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं, हत्ता कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये दीवारें भी दुश्मन की सिपाही हैं। हमारा ख्याल है कि हमारे करीब रहने वालों को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है। दुश्मन जान चुका है कि जवाद को बेनकाब किया जा चुका है, वो या तो उसे मार देंगे या अगवा कर लेंगे। अगर आप कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो हमें यकीन है कि आप हमें जरूर बताएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। जरूर जरूर सुल्तान मौसम। पहला मसला, असलहे के ताजरों को खलील खालिद ने बचा लिया है, नुमाइश के लिए कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही। दूसरा मसला, जवाद को जहर दिया गया है और इस वक्त वो अस्पताल में है। उन्हें मालूम हो जाएगा कि बावर्ची खाने से आने वाले खाने में जहर था और ये जहर एस्तर खातून ने डाला था, और ये बात गुस्ताफ साहब पे असरअंदाज होगी। तीसरा मसला, अगर जवाद अस्पताल में ठीक हो गया तो वो अब्दुल हमीद को हमारा नाम बता देगा। अब्दुल हमीद की जानिब से 3 इकदामात किए गए हैं, इसलिए हमें भी 3 इकदामात करने होंगे, और इन्हीं 3 इकदामात से अब्दुल हमीद की दुनिया को तबाह करना है। शुरू करते हैं। उस्मान कहाँ है दातार? वो होटल में ताजिरों के साथ है जनाब। ये ठीक है, खैरियत तो है? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं जनाब, मैं असलहे के मामले में उलझा हुआ हूं। कारतूफ को हमने मार दिया, लेकिन इमरो असलहा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। मैं जानता हूं तातार, जानता हूं, तमाम ममालिक हमारे दरमियान मौजूद शरपसंद तंजीमों की हिमायत करते हैं, और वो ऐसा 30 बरसों से कर रहे हैं। वो अभी भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब हमें उनका मुकाबला करने के लिए जल्दबाजी से नहीं, अकल से काम लेना होगा। क्या हुआ आसिफ? हम जब वहां थे तो लार्स आ गया था, खबर शाया नहीं हो सकी। रुबीना ने कैंची से हमला किया है। आप ठीक है नादिर साहब? जा तबीब को बुलाओ। उन्हें पूरे पाया तख्त में तलाश करो तातार। नाइमे बेटी, बेटी आप क्या कर रही हैं? हम उकता गए हैं, हम खुद को सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन बेटी आपने खुद ही कमरे में रहने का फैसला किया था। हरम में बेकार घूमने और इस कमरे में बंद रहने में कोई फर्क नहीं। हम समझ गए, फिर तो आपके लिए दारुल खैर आलिया जाना ही बेहतर होगा। नाइमे बेटी, आपके बाबा से बात की है, आप बशीर साहब के साथ मकतब जाकर अपना काम कर सकती हैं। क्या वाकई बाबा मान गए? लेकिन कैसे? अब्दुल कादिर और नाइमे दोनों को ही कोई ऐसा फरीजा नहीं मिल सका जो वो चाहते थे, ताहम वो आपकी सताइश हासिल करने के लिए और हमारी रियासत की खिदमत की खातिर कुछ करने के लिए बेताब है। हमारे बच्चे पहले ही हमारे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन हमारी रियासत और कौम सबसे ज्यादा कीमती हैं।
ये हमारे पास अनमोल अमानत है। अगर कोई फरीजा अदा करना हो तो हम सबसे काबिल अफराद का इंतखाब करने के पाबंद हैं। आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान मौसम, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों पर भरोसा करके उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो उन्हें तजुर्बा कैसे हासिल होगा। नाइमे दारुल खैर आली में अपना काम जारी रखना चाहती हैं, यही बात है ना? दिलो जान से सुल्तान मौसम, हमने उनकी आंखों में आपकी तरह की मोहब्बत देखी है रियासत के लिए। वो खिदमत करने के लिए बेताब है। अगर आपकी इजाजत हो तो वो बशीर साहब के साथ मकतब जाना चाहती है सुल्तान मौसम। मकतब में बशीर साहब के अलावा और मुहाफिज भी होंगे, वो खुद को जाहिर किए बगैर आपकी हिफाजत करेंगे। बस हमारी यही एक शर्त है नाइमे। कबूल है, कबूल है। बहुत शुक्रिया वालिदा। हमारी प्यारी बेटी। वालिदा, अगर इजाजत हो तो हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आइए मेहमत। आपने कल बहार को गुलजमाल के मुतालिक बताया। जी ऐसा ही है, हमारे ख्याल में उनका जान लेना बेहतर था। इसके अलावा हम गुलजमाल से जल्द शादी कर लेंगे, ये सबको मालूम होना चाहिए। ये सारी बातें तो नसीब की हैं बेटा। हमारी जिंदगी में कोई है ये बाहर के लिए जानना बहुत जरूरी है, वरना वो किसी गलत फहमी का शिकार हो सकती हैं इस तरह की अफवाहें सुनकर। किस किस्म की अफवाहें? हम दरअसल इसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हम बाहर से मोहब्बत करते हैं, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। हमारे घर वाले भी रजामंद हैं, और ये कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं उनसे। क्या ये इस वजह से है कि आप दोनों एक साथ पैरा गए थे? शायद ये आपने ही किया हो। वालिदा, हमें कल बाहर के साथ अकेला भेजने के लिए आपकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ एक बहाना थी और कुछ नहीं। बाहर के साथ हमने आपको अकेला भेजा ये सच है। जब सब कुछ वाज़ह है तो हमें गलत बयानी की जरूरत नहीं है। आपकी तालीम, हैसियत, सब कुछ मिलता है, और दोनों इज्जतदार घरानों के अफराद हैं। लेकिन वालिदा, हमारे दिल नहीं मिलते। हम गुलजमाल से मोहब्बत करते हैं, और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बेटा, ये आज आप सोच रहे हैं, लेकिन कल, कल भी कुछ नहीं बदलेगा। ये हमारा वादा है आपसे। हमारे दिल में सिर्फ गुलजमाल है, और अगर आपको कोई और उम्मीद है तो उससे दस्तबरदार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ हम सबको परेशान करेगी। बाहर मायूस हो जाएगी, और ऐसी अफवाहें सुनकर गुलजमाल भी परेशान होगी। गुलजमाल से आपकी शादी से हम परेशान होंगे मेहमत। गुलजमाल हमारे खानदान से मुताबिकत नहीं रखती। आपकी वालिदा एक शाही खानदान से हैं, आपके बाबा एक शरीफ इंसान थे, इसी वजह से वो रियासत के अहम ओहदे पर फायज रहे, और फिर उन्होंने रियासत से गद्दारी की। उन्होंने रियासत से कोई गद्दारी नहीं की थी, समझे आप? ये उन पर बहतान है। सुल्तान मौजम को गलत फहमी हुई, बल्कि सच तो ये है कि उन बहतान लगाने वालों ने इतनी जामे मंसूबा बंदी की थी कि आपके बाबा को खुद को साबित करने का एक मौका भी नहीं मिल सका, और अब हम देख रहे हैं कि वो आपको भी धोखा दे रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। जवाद के बारे में कोई मालूमात है पाशा? वो सख्त पहरे में है, उसे अभी तक होश नहीं आया। तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद दो दिन में होश आ जाए। बहुत ताकतवर जहर दिया गया है। सुल्तान मौजम, उसे खाने में जहर दिया गया था। जिसने ये किया है हम उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। ये बात आप जानते हैं कि महल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं। तहसीन पाशा का एतमाद जीतने वाला जवाद भी उन्हीं गद्दारों में से एक था।
जवाद बहुत कुछ जानता था सुल्तान मौजम, और वो जिसके हुक्म पे काम किया करता था वो भी यकीनन सब जानता होगा। सुल्तान मौजम, हमें अस्पताल में मुहाफिजों की तादाद दुगनी कर देनी चाहिए, इससे पहले कि कुछ हो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। नहीं पाशा। सुल्तान मौजम, क्या हम गद्दार जवाद की हिफाजत नहीं करेंगे? वो उसे मार देंगे और हम जान नहीं पाएंगे कि उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा था। अस्पताल से ज्यादातर मुहाफिजों को वापस बुला लें। जहां तक मैं समझा हूं, आपने जरूर कोई मंसूबा तरतीब दिया है सुल्तान मौसम। दुश्मन जवाद को मारने के लिए आएंगे, हम देखेंगे कि उसे कौन कत्ल करने आया है, इस तरह हम असल दुश्मन तक पहुंच जाएंगे। दुरुस्त पाशा, हमारा मंसूबा यही है। यानी हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम ये नहीं जानते कि होश में आने के बाद जवाद सच कहेगा या नहीं, लेकिन इस बात का हमें यकीन है कि जो उसे कत्ल करने आएंगे वही हमारे दुश्मन होंगे। हम मंसूबा समझ गए सुल्तान मौसम। तौफीक पाशा, गैर मुल्की ताजिरों की क्या सूरत हाल है? खलील खालिद ने हमलावरों के साथ मुकाबला करके ताजिरों की हिफाजत की है, सब ताजिर महफूज हैं। तो क्या वो खुद को अब महफूज तसव्वुर कर रहे हैं? जी सुल्तान मौसम। ठीक है, तो फिर वक्त आ गया है कि हम नुमाइश का इनेकाद करें, लेकिन पहले हमें मेहमानों के लिए दावत का एहतमाम करना है। सुल्तान मौसम, मैं इस सिलसिले में जरूरी हिदायत जारी कर देता हूँ। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। ये दुरुस्त है कि हम एक बड़ी जंग का खतरा महसूस कर रहे हैं, क्या नुमाइश से हम ये देखना चाहेंगे कि कौन से ममालिक क्या हथियार खरीदेंगे? लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं? नहीं पाशा, हम ये नुमाइश आगे बढ़ने के लिए मुनक्किद कर रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए, जाग उठने के लिए कर रहे हैं। इस कौम की ये सूरत हाल 200 साल पुरानी काहिली की वजह से हुई है। अच्छा या बुरा, फायदा या नुकसान, सब कुछ इसी काहिली की वजह से है। हम 200 साल से अपनी किसी कोशिशों की वजह से जिंदा नहीं रहे। सड़कें देखें, गलियों को देखें, आप देखेंगे कि लोग बेकार बैठे हुए हैं, मकातिब में तुलबा बैठे हुए हैं, गांव में लोग काहिल बैठे हुए हैं, कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही, ऐसे जैसे वो मुर्दा हो चुके हैं। जब हम ये मिसाइल फेंकेंगे तो हर कोई हरकत में आ जाएगा, वो जान जाएंगे कि हम ये कर सकते हैं, और वो ये सब इस नुमाइश के जरिए देखेंगे। वो देखेंगे कि कोशिश करने से मशरिक क्या क्या करने पर कुदरत रखता है। काश के इस नुमाइश में पेश किए जाने वाले हथियार हमारी अपनी सनतों में बनाए गए होते, लेकिन ऐसा भी होगा इंशाल्लाह। हमें अपने लोगों पर इत्मीनान है। हमने अपने इख्तदार में देखा है कि हमारे लोगों ने हम पर एतमाद किया और हमने उन पर एतमाद किया। हमने अपनी कोशिश जारी रखी और हमारे मकातिब में पढ़ने वाले तुलबा आगे बढ़ने लगे, लेकिन हमारे दानिश्वर, अखबारात में काम करने वाले सहाफी इसे नहीं देख सके, कौम को नहीं समझ सके, कौम के लिए कुर्बानियां नहीं दी उन्होंने, वो इस कौम को पसंद नहीं करते। उन्होंने हमेशा हमें एक पसमानदा जहनियत रखने वाली कौम ही समझा। रोशन ख्याल लोगों ने कौम को मुत्तहिद होने को कहा, और जैसे ही वो मुत्तहिद हुए तो वही रोशन ख्याल उन्हें खुद से दूर बुलंद मर्तबत नजर आते हैं। लेकिन अब हमें पाशा हजरात अपने लोगों को उनकी पुरानी पहचान और खूबियों की जानिब वापस लेकर आना है, वो भी हर कीमत पर। कौम का मुकद्दर कौम के माथे पर लिखा होता है। जैसी जिंदगी हमने गुजारी है अब कुछ हैरान नहीं कर सकता, लेकिन हम गलत थे। जब तक सुल्तान मौज़म ने ऐलान नहीं किया, हमें आपके बारे में इल्म नहीं था। हमें हकीकतन अफसोस है। वो मसलहत थी, लेकिन अब मैं
आपसे मिलकर खुश हूं। बेटी, हमारे लिए तुर्क कहवा लाइए। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। हम उन बरसों की तलाफी हरगिज नहीं कर सकते, लेकिन हम अब आपको जानना चाहते हैं। सुल्तान मौजम ने आपको बताया होगा कि मेरी कहानी और मेरी मौजूदगी को पोशीदा रखने की वजह क्या थी। हम वो जानना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं बताया। हमें ये बताइए कि इतने बरसों से आप कहाँ थे, आपका खानदान कहाँ है, क्या वो इस सब के बारे में जानते हैं। हमें तजस्सुस है। मैं आपके तजस्सुस को समझ सकता हूँ। अगर मुझे भी इस तरह मालूम होता कि मेरी भी कोई बहन है तो मैं भी मुतजस्सुस हो जाता। ताहम मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगरचे मैं आप लोगों के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने भाई बहनों की खबर रखी कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, या कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। मैं जानता हूँ आपके शौहर महमूद जलालुद्दीन के साथ क्या हुआ था। मैं उनकी कदर करता हूँ, वो एक मोतबर इंसान थे। आप हमारे शौहर को जानते हैं? कोई भी उनके बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। उन्हें नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। महमूद जलालुद्दीन गद्दार नहीं थे। रियासत के साथ उनकी वफादारी का गवाह हूं मैं। हमें भी यही लगता है कि उन पर बहतान लगाया गया है। अगर इसे साबित करने के लिए छोटा सा भी मौका मिला तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। यकीन जानिए, हमें आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। जरूर हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए भाईजान। तो कहवा तैयार है, ले आइए बेटी। इस खाने का क्या नाम है, लजीज लग रहा है। खामोशी से खा लीजिए। खामोशी से खाइए। जो आपका हुक्म जनाब। लजीज है वैसे, वाकई आपके हाथ में जायका है खातून। और हाँ, उस्मानी भी खाना प्यार और मोहब्बत से बनाते हैं। सुनो, चाओ हाथ धो, हाथ धो अपने और देर तक धोना। हाथ से मत खाओ, हाथ से मत खाओ, मैंने कहा मत खाओ। हाथ से नहीं खाओ। मेरी बात समझ नहीं आई, कहा था हाथ से मत खाओ, मत खाओ, हाथ से, हाथ से नहीं खाओ, नहीं खाओ, नहीं खाओ, हाथ से, हाथ से नहीं खाओ, नहीं खाओ। हम आपसे कुछ बहुत अहम चाहते हैं पाशा। वो क्या? वो आदमी जिसे आप अस्पताल लेकर गए थे। जवाद, हम चाहते हैं कि आप उसे कत्ल कर दें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन सोचिए, आपकी तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने बादशाहत के लिए अनगिनत जाने ली। आप तो सिर्फ ऐसे शख्स की जान ले रहे हैं जिसने रियासत से गद्दारी की। हम जो कहते हैं उसे करने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं।
मैं ये नहीं करूंगा। आपको करना होगा। मैं जानता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है अब्दुल हमीद? इस बात का ख्याल लगता है कि अस्पताल में जवाब से मिलने कौन आता है। अगर मैं भी वहां गया तो गद्दार समझा जाऊंगा। आपका क्या मशवरा है? ये इस तरह हो सकता है, कोई ऐसा जिसे मुझ पर एतमाद हो वो जाकर दरवाजा खोल देगा और मुहाफिजों का वक्त जाया करेगा। इस दौरान तुम्हारे आदमी ये काम कर देंगे। बेहतरीन, लेकिन आप किसे भेजेंगे? एक बहुत मुहज़्ज़ब आदमी को। यानी आप उस शख्स को भेजेंगे जिसे अब्दुल हमीद ने आपके पीछे लगाया है, जिस पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करता है। हाँ। अब्दुल हमीद को जब मालूम होगा कि उसका काबिले भरोसा आदमी जवाद को मारने क्या है तो वो हैरान रह जाएगा। यकीनन। पाशा, इस्माइल हक्की साहब आए हैं। वो आ सकते हैं। खुशामदीद। शुक्रिया पाशा, शुक्रिया। मैं चलता हूं। आइए आइए। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हूं जनाब। वो क्या है पाशा? यानी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जरूर पाशा। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ पूछना है। जरूर पूछिए। क्या इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल, ये खलील खालिद साहब हैं। क्या असलहे के ताजिर कारतोफ को मारा है इन्होंने? इनसे कहां मिल सकता हूं मैं? मैं नहीं जानता ये कहां है। ठीक है, शुक्रिया आपको। शब्बा खैर जनाब। शब्बा खैर। जान गए हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ नादिर साहब, लेकिन इन्होंने इसे जारी रखा तो जरूर कुछ हो जाएगा। नादिर साहब, अरे माशाल्लाह, देखकर खुशी हुई। तुम्हें कुछ मिला था तार? जनाब, मैंने हर जगह मालूम किया है, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन उस जहाज की फहरिस्त में रुबीना का नाम है जो आज पाए तख्त से जा रहा है। हाँ, रुबीना ही नाम है। तहम वो अभी तक बंदरगाह नहीं पहुंची। फरार होने के लिए जब इतना वक्त था तो वो फरार क्यों नहीं हुए? कुछ है जिसने उन्हें यहाँ रोका हुआ है। मैंने बंदरगाह पे मौजूद आदमियों को इत्तला कर दी है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उन्हें कह दिया है कि जहाज पे सवार होते ही मुत्तला करें। ठीक है, आसिफ तुम नादिर साहब के साथ बंदरगाह जाओ और ख्याल रखो, हम उन्हें पाए तख्त से जाने नहीं दे सकते। जो हुक्म चाचा। हमने सुना है कि आपने जुल्फुल इस्माइल पाशा से मुलाकात की है। जी, हम उनके बारे में जानना चाहते थे। हम बरसों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। अगर आप इजाजत दें तो हमारे उनसे मिलने से कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल। उनसे काफी देर बात की हमने। जरूर कोई ऐसा मामला होगा जिस पर आप दोनों ने बरसों से बात नहीं की होगी। जी हाँ, वो हमारे शौहर को जानते थे। हमारी तरह वो भी यही समझते हैं कि महमूद जलालुद्दीन पाशा मासूम थे।
ये दुरुस्त नहीं जमीला सुल्तान। उन्होंने ऐसा आपको तसल्ली देने के लिए ही कहा होगा। उनके ख्याल से शायद आप मुत्तफिक नहीं हैं, है ना? आप हमेशा कोई उजुर ढूंढती हैं और उसका अहाता भी जरूर करती हैं। जब आपके शोहर का फैसला हुआ तो जुल्फ़लू इस्माइल पाशा यहाँ मौजूद नहीं थे। सुल्ताने मौज़म ने तमाम सबूतों की तहकीकात की और सब गवाहों को सुनने के बाद ही फिर अपना फैसला सुनाया था। लेकिन हमारे ख्याल से शायद आप गलत समझती हैं सुल्ताने मौज़म के इस फैसले को। नहीं समझ सकते? क्या इंसान गलतियां नहीं करते? करते हैं, वो अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, ऐसी उम्मीदें बांधते हैं जो पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है उन तक रसाई मुमकिन हो। जो लोग सफर से थक जाते हैं वही उन्हें नाकाबिले रसाई समझते हैं। तो क्या आप ये करना चाहती हैं? जी हाँ, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने शोहर की बेगुनाही को साबित करने के लिए तहकीक करना चाहते हैं सुल्तान मौसम। आप क्या हासिल करना चाहती हैं? हो सकता है कि उनकी खोई भी साख वापस मिल जाए। तहकीक के इख्तिताम पर आप खुश नहीं होंगी अजीज बहन, आपको मायूसी होगी। मेरे लिए ये पहली बार नहीं होगा सुल्तान मौसम। महमूद जलालुद्दीन पाशा पे मुकदमा चलाया गया और हमने उनका फैसला किया। ये मामला अब खत्म हो चुका है। माजरत, मैंने आपको इंतजार करवाया। शहजादी के साथ आज रात मेरी गुफ्तगु तवील हो गई थी, अभी सोए हैं वो। नहीं कोई बात नहीं, हम अपनी आखिरी सांस तक आपका इंतजार कर सकते हैं। आह, कितना खूबसूरत है ये। ये फूल आपको एक शर्त पे मिलेगा, आप दोबारा कभी उन फजूल अफवाहों पर यकीन नहीं करेंगे। वादा करें मुझसे। ठीक है, वादा रहा। क्या अब मैं अपना फूल ले सकती हूँ? महमद, ये है वो लड़की। इस आम सी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं आप महमद? हमने वालिदा से बात की है और कहा है कि हम आपसे जल्द शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? छुपाइएगा नहीं मुझसे। मैं जानती हूं कि जमीला सुल्तान बाहर खातून को ज्यादा मुनासिब समझती हैं। शादी हमें आपसे करनी है, वालिदा ने नहीं। हम पसंद करते हैं आपको हर चीज से बढ़कर। बहार, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो चलें। ठीक है भाई। फिक्र मत करें, जैसा कि मैंने बताया, जब तक पानी बह रहा है कोई आपकी बात नहीं सुन सकता। हमें एक अच्छा झूठ बोलना है। ग्रुंद को अगवा किया गया, इसे कैद में रखा, इस पे तशद्दुद किया और मुझे धमकी दी। कहां? कुंभरा जी गली में, 47 नंबर घर के सामने। ये एक हकीकी कहानी होनी चाहिए। अब्दुल हमीद बहुत होशियार है,
हमसे छोटी सी भी गलती हुई तो वो समझ जाएगा, और अगर वो जान गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो पकड़ लेगा वो हम सबको। तो क्या उन्होंने धमकी दी? हाँ, उन्होंने मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैंने खाने में जहर ना डाला तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। और तुम खाने में जहर डालने पे मजबूर हो गई। हमने सिपाहियों से पूछताछ की है, हमारा ख्याल है जहर जवाद के खाने में शामिल किया गया था, लेकिन उसके खाने को जहर आलूद करने में किसी भी सिपाही का कोई हाथ नहीं था। हमने खाना लाने वाले सिपाही, मुहाफिजीन और मुलाजिमीन सबसे पूछताछ की है, और इसके बाद उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। जब वो जवाद को अस्पताल ले गए तो मुझे बंदरगाह पर फेंक दिया। मैं बमुश्किल किसी की नजरों में आए बगैर घर आ गया। मैं खौफ की वजह से किसी तबीब के पास भी नहीं गया। मैंने अपने बेटे की मरहम पट्टी की। तो फिर सुल्तान मौजम, मेरे ख्याल में जो खाना जवाद को दिया गया वो पहले ही जहर आलूद था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बावर्ची खाने में कई लोग काम करते हैं। लेकिन बावर्ची खाने में एक नया फर्द आया है। इस तरह हम सिर्फ इसी तरह से बच सकते हैं, समझी? अपने बच्चे की मौत के खौफ से दुनिया की हर माँ ऐसे ही करती है, याद रखना, हर माँ। गुस्ताफ साहब की जौजा इस्तर। गुस्ताफ साहब और इस्तर खातून दोनों को कल हमारे हुजूर हाजिर कीजिए। तो बस हमारा झूठ बेनकाब ना हो। दर्द हो रहा है। शुक्र करो तुम बच गए हो। छोड़े, इगवाकार तुम्हारी माँ और जवाद को जहर देने के बावजूद तुम्हें भी मार सकते हैं। कोलासी सलीम साहब। हुक्म करें पाशा। सिपाहियों की तादाद कम कर दें। किस लिए पाशा? लेकिन अंदर जवाद साहब। मेरे हुक्म पर अमल करें, सवाल मत करें। तबीब साहब जल्दी आइए यहाँ। हटे हटे, रास्ता दे हमें। क्या हुआ है? मरीज की हालत बिगड़ रही है, कुछ करना होगा वरना ये मर जाएगा। तबीब साहब जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें आप, इस शख्स की बहुत जरूरत है हमें, चले। क्या कोई इस कमरे में दाखिल हुआ था? नहीं, कोई दाखिल नहीं हुआ। जवाद मरना नहीं, जवाद मरना नहीं। रुबीना, मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, हमें फौरन जोरिस के पास लेकर चलो। ठीक है। एक जासूस है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उस पर एतमाद भी करता हूँ, और वो जासूस भी महमूद जलालुद्दीन साहब के मामले में काफी दिलचस्पी रखता है। रूसी सफीर खाने की एक दावत पर जा रहा है, वहाँ हमला करके हम उसे मार देंगे, ये मंसूबा है। आपके लिए कोई सजा नहीं है। यह ईसाई खुफिया तंजीम का एक तरीका कार है। पहले ये सबके दिल फतह करते हैं, फिर रूह फतह करते हैं। जवाद मर गया है। तबीब का कहना है कि जहर से उसके जिस्म में पेचीदगियां पैदा हो गई थी। मैंने हमजा की पसंदीदा मिठाई बनाई थी, उसे पसंद है तो सोचा उसके लिए ले आऊं तो वो खुश हो जाएगा।